नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल सवाल है मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन अ प्लेन इट फॉलोज दैट तो अगर आपका ये ध्यान रखना हमेशा फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में मोशन आपका हमेशा सर्कुलर होएगा राइट right. इस चीज़ को हम थ्योरी में प्रूव कर चुके हैं कि अगर आपका फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है कांस्टेंट फोर्स है और ये आपके परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के मोशन आपका सर्कुलर मोशन होएगा सो तो लेटर्स से ये आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है आ, एक प्लेन में पार्टिकल यहाँ से पहले चालू हुआ इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन में यहाँ पर वेलासिटी इधर आई यहाँ पर वेलासिटी दी और फोर्स आपका हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स ये हमेशा वेलासिटी के परपेंडिकुलर है नाउ इस केस में वेलोसिटी इज कांस्टेंट नाउ ये ऑप्शन आपका सही नहीं है बिकॉज वेलोसिटी जो है उसका एक अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो उसका एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एक मैग्नीट्यूड तो भी होएगा प्लस उसका डायरेक्शन भी होएगा तो इस केस में मैग्नीट्यूड तो आपका फिक्स रहेगा लेकिन डायरेक्शन हमेशा बदलेगा सो वेलोसिटी आपकी कॉन्स्टेंट नहीं है नाओ कानेटिक एनर्जी इज कॉन्स्टेंट ये ऑप्शन आपका सही है बिकॉज कानेटिक एनर्जी है उसको हम लिखते हैं दिस इज हाफ एम वी वैक्टर डॉट वी वैक्टर सो so, इसको जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये आपका हाफ एम वी स्क्वायर बन जाता है जो कि एक्चुअली उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी एक्सलेशन इज कांस्टेंट अगेन ये ऑप्शन सही नहीं है बिकॉज एक्सेलेशन फिर आपका वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होएगा मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सलेशन कॉन्स्टेंट नहीं है इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है बिकॉज ये आपका सर्कुलर पार्ट ट्रैक करेगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर टू वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया